हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखने वाले हैं। आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव बेसिस पे हो रही है, तो आपके साथ में रीडिंग व्यूवर्स रेजोनेट ज़्यादातर हो सकता है। उम्मीद जो होती है जनरल रीडिंग की रेजोनेट कर जाती है। अगर इनकेस रेजोनेट नहीं होती है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है व्यूवर्स कि आप इस रीडिंग में ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करें। आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट होगी या नहीं होगी आपको ड्यूरिंग द रीडिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सिचुएशन को समझने के बाद में। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ओके? क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़रूरी भी है समझने के लिए कि आपको ये रीडिंग समझ में आती भी है या नहीं आती है, ओके? सो व्यूअर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करवाइए और बताइए कि उनके मन में राइट नाउ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में इनको लेके क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, पेज ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड दी एस ऑफ सोर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। टॉरस, सिंह राशि, एक्वेरियस राशि और कहीं ना कहीं सजिटेरियस राशि, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आती है, ठीक है। तो वी हैव टेम्परेंस, टावर, द वर्ल्ड एंड दी टू ऑफ कप्स। अगर आप रिवर्स, अभी आपको कार्ड दिखाती हूँ, यहाँ से बॉटम से हमारे पास दो क्वीन आती हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक अब आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। व्यूवर्स देखिए, नंबर्स में आपको सबसे पहले वो भी बता देती हूँ, नंबर आपके लिए 10, 6, 1, 2, 21, 16, 14, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेटर में व्यूवर्स आपके लिए टी लेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ओके। टी लेटर, ए लेटर व्यूवर्स यहाँ पे, एस लेटर इंपॉर्टेंट है, डी लेटर इंपॉर्टेंट है, ओ, डब्ल्यू, जी, ये सब लेटर व्यूवर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। डब्ल्यू की एनर्जी गाइज यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हो सकता है डब्ल्यू लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता हो, ठीक है। कुछ लेटर्स भी मैंने बताए हैं, सी और ई लेटर, एफ लेटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। तो व्यूवर चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। आपके लिए व्यूवर्स देखो, सबसे पहले कार्ड हमारे पास आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूवर्स ये चीज़ें नज़र आती है कि आज कहीं ना कहीं आपके भाग्य में, आपके इस रिश्ते में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपने चाहे उनको महसूस किया हो या नहीं किया हो वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये चीज़ें समझ में आती है कि आज कहीं ना कहीं कुछ आपके रिलेशनशिप में फेरबदल हुआ है। इस पर्सन के माइंडसेट में भी फेरबदल हुआ है, इस पर्सन की फीलिंग्स में भी यहाँ पे फेरबदल हुआ है, ठीक है। फेरबदल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं वक्त के साथ में। मे बी कुछ ब्लॉकेजेस होंगे व्यूवर्स, जो कहीं ना कहीं रुके हुए थे वो यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आते हैं। तो समवेयर व्यूवर्स इस पर्सन के माइंड में क्या है, इस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स आप हो व्यूवर्स कैसे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है राइट नाउ भी आपके इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में, आपके साथ के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कहीं ना कहीं टुगेदर होने के बारे में। आप इनके लिए व्यूवर्स मतलब बहुत ही ज़रूरी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहे हो। क्यों नज़र आ रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनके माइंड में एक तो आपका साथ होना, साथ के साथ में आपका एक अपनापन सा फील होना, एक रिलेशनशिप में गहराई में उतर जाना फील होना, व्यूवर्स वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है व्यूवर्स कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे टावर मूवमेंट की एनर्जी आती है, तो हो सकता है आज आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हो जिससे इनका मतलब जो पर्सनालिटी है या फिर इनकी जो थिंकिंग है वो भी यहाँ पे चेंज हुई है। तो सम काइंड ऑफ रिलीजमेंट की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये एनर्जी ये बात को भी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन की लाइफ में आज इनका प्रोस्पेक्टिव, इनका विज़न इस रिश्ते को देखने का वो भी चेंज हुआ है, जस्ट बिकॉज कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो यहाँ पे टावर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लेरिफाई करती हूँ, टावर मूवमेंट यहाँ पे आपके लिए क्या लेके आया है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं ये टावर मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्या लेके आई है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मदद करें। ओके, एट ऑफ सोर्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल।
सन एंड दी जजमेंट। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे आपके लिए क्या आया है, आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे एक एनर्जी आती है, जिस एनर्जी में आपके पर्सन थे, मतलब हो सकता है ये जो पर्सन हो अपनी लाइफ के अंदर एक अलग ही विज़न लेके चल रहे हो, जिस विज़न के चलते कभी कभी कहते हैं ना कि प्रोस्पेक्टिव इंसान का डिफरेंट हो जाता है। पहले हो सकता है कि आपके पर्सन व्यूवर्स, देखो इस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ कि क्या चेंज हुआ आपके लिए, क्या आया है आपके लिए। अगर बॉटम से अगर हम देखें ना, सन और जजमेंट की एनर्जी आती है, तो अगर आपके पर्सन व्यूवर्स बहुत ज़्यादा या तो मनी माइंडेड होंगे, ठीक है, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने ऐसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये ऐसे हो गए थे कि इनको दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती थी या नज़र नहीं आती थी, ठीक है। तो या फिर व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो एक सोच थी अपनी लाइफ को लेके कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, या फिर मेरी लाइफ का ये लक्ष्य है, ये मुझे बनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंचना है मुझे, ये सब कुछ, मतलब इनके लिए हो सकता है कि फॉर अ टाइम बीइंग इनके लिए प्यार भी प्यार नहीं था, कुछ और बन गया था, ठीक है। या तो इनका फोकस इस रिलेशनशिप से हट गया था, या फिर अपने आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं ऐसी जोन में जाके यहाँ पे स्टक हो गए थे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे थे। मतलब कहते हैं ना, कहीं ना कहीं बहुत ही पक्की सोच हो जाना, अगर ये ईगो के चलते व्यूवर्स आपके साथ में रिलेशनशिप आगे लेके नहीं चल रहे थे, ठीक है, तो वो भी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आया कि अगर इनकी ईगो ही थी जो आपके साथ में इनको कनेक्ट नहीं होने दे रही थी, तो वो ईगो यहाँ पे टूटी है, वो बंधन यहाँ पे टूटे हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देते थे, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। अगर उनको लग रहा था ये रिश्ता उनके लिए वो चीज़ें नहीं दे सकता है जो इन्होंने सोची थी, इनके जो प्लान्स हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आज हुआ ही है, और आप इस बात को व्यूवर्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में इन चीज़ों को नोटिस करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर चीज़ें दिखा रही, क्योंकि यहाँ पे देखो जजमेंट हुआ है और सन की एनर्जी आती है टावर मूवमेंट के साथ पे, यानी कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन अगर किसी भी तरह से उनका जो विज़न था आपको लेके क्लियर नहीं था, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में से निकले हैं। अगर वो इस रिश्ते को लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे तो वो सिचुएशन में से निकले हैं, ठीक है, इस रिश्ते में अगर रियूनियन नहीं हो रहा था तो वो सिचुएशन से बाहर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये निकलने वाली एनर्जी है, ओवरकम करने वाली एनर्जी है। तो जो भी एनर्जी व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, आप दोनों को साथ में नहीं होने दे रही थी, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे रिलीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समवेयर व्यूअर्स इस पर्सन की जैसे आंखें खुल गई हैं, ठीक है। आंखें खुल जाना मतलब क्या होता है कि भाई उसको समझ में आ जाना कि हकीकत क्या है और फंसाना क्या है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी इंसान एक अपनी सोच में चल रहा होता है कि यार उसको ये पता है कि यार मेरे साथ में कुछ ऐसा हो नहीं सकता, या फिर मतलब जो मैंने सोचा है वही होगा, समथिंग होता ना कि भाई दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन हकीकत में आओ तो कुछ और होती हैं। भाई सो रहा है इंसान, उसके ड्रीम में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो ड्रीम में इतना खो जाता है कि उसको वही चीज़ें सही लगती हैं, इल्यूजन जैसे क्रिएट हो जाना। तो ये जो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे किसी तरह के इल्यूजन से, किसी टफ सिचुएशन से मुझे यहाँ पे बाहर आते हुए नज़र आते हैं, और ये कहीं ना कहीं एनर्जी गाइस देखो यहाँ पे आती है। अगर आपने इससे पहले वाली रीडिंग नहीं देखी व्यूअर्स, थर्ड पार्टी वाली, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो भी मुझे यहाँ पे ओवरकम होती हुई आप लोगों के लिए नजर आती है। अगेन यहाँ पे सन है ना व्यूअर्स, सन एनर्जी है, और यहाँ पे वर्ल्ड एंड व्हील एनर्जी है, जो यही दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से कुछ चीज़ें नई इन्वॉल्वमेंट होती नज़र आती हैं, और आप लोग मुझे रीयूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन के माइंड में देखो व्यूअर्स कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो यही दिखाई देती है कि इस पर्सन को आपका प्यार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपका साथ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी पुरानी बातें, आपका साथ, आपका लव रिलेशनशिप जैसा भी है, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्सन को। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इस रिलेशनशिप के अंदर एक तरह का सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। सोल कनेक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा एक ऐसा हिस्सा फील करना अपनी लाइफ का जो कि इनसेपरेबल है, जिसके बिना ये नहीं रह सकते, जिसके बिना इनकी लाइफ नहीं चल सकती है। इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत है, ताकि एक सुख के साथ में एक ज़रूरत जो है ना इनकी व्यूअर्स देखो, उसके साथ में ये जो पर्सन है लाइफ में अपनी आगे बढ़ सके। तो सम काइंड ऑफ हीलिंग, सम काइंड ऑफ रीयूनाइट होना, सम काइंड की कहीं ना कहीं एक तरह से डेड रिलेशनशिप रीअवेकन हो जाना, वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आती है। तो इस पर्सन को व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में ही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये एक रास्ते तलाश रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में आगे बढ़े और आपके साथ में रीयूनाइट हो, ठीक है। तो ये मुझे माइंडसेट यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है,
ठीक है। तो ये व्यूअर्स देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक तरह से इनसेपरेबल कनेक्शन फील कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, उनको लग रहा है कि यार ये ज़रूरत है मेरी, ठीक है। तो वही है आपके लिए अट्रैक्शन, मैं इस पर्सन का व्यूअर्स कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ। ये व्यूअर्स एक तरह से देखा जाए कोई कार्मिक कनेक्शन एंड करके आपके साथ में मुझे यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशन, कोई ऑब्स्टिकल, कहीं ना कहीं कोई इल्यूजन, अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेके या थर्ड पार्टी को लेके, तो वो भी यहाँ पर रिलीज होता हुआ नज़र आता है। ओवरकमिंग सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील होती है। ओके तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक बात आपको बता दूँ, इस पर्सन के मन में आपको लेके आज मुझे कहीं ना कहीं प्यार के फूल खिलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि देखो व्यूअर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और सारे के ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे मेजर अरकाना से आई है, तो मेजर अरकाना यहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने एक सही पाथ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपनी डेस्टिनी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेस्टिनी ने उनके लिए जो डिसाइड किया है, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वो अब उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो इनके लिए डेस्टिनी ने डिसाइड किया है। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि अब आपके पर्सन अगर आपसे रीयूनाइट हो रहे हैं, आपसे अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेस्टाइन कनेक्शन है और आपको इस कनेक्शन में जुड़ना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है, एक कार्मिक कनेक्शन ज़रूर बोलूँगी यहाँ पर मुझे आज एंड होता हुआ नज़र आता है, ठीक है, जिसका एंड होना तय था, और एक तरह से सोल कनेक्शन जिनका मतलब हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हो, मे बी इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का रिश्ता वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब रिलीज हो चुकी है, वो ब्लॉकेजेस, सो दैट कि ये एक तरह से रीयूनाइट यहाँ पे हो सके, ठीक है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल एंड द व्यूअर्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे अगेन हमारे पास बॉटम से एस ऑफ कप्स आता है एंड डेविल आता है। तो देखो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो सकता है कुछ मैरिज को लेके भी बात हो, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के व्यूअर्स मन में अब देखो क्या है कि वो मतलब वो सारी बातें जो अब ज़रूरी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स में देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ में आगे मुझे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन है इनको, अब परवाह नहीं है मे बी दूसरे लोगों की, या दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इट डजंट मैटर, उन चीज़ पर ये फोकस नहीं कर रहे हैं, जस्ट इनको उन्होंने जो सोच लिया है ये वही करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपके साथ में एक तरह से देखा जाए कोई बंधन सा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा बंधन जिसको ये तोड़ना नहीं चाहते। देखो एक डेविल एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास इधर भी आई है और इधर भी आई है, तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स कहूँगी कि एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरकम होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपके पर्सन का ये जो माइंडसेट देख पा रही हूँ, प्रोस्पेक्टिव देख पा रही हूँ, वो यही रिप्रेजेंट करता है, दे वांट सम ग्रोथ, दे वांट टू अचीव सम काइंड ऑफ स्टेटस भी नज़र आता है, ये रिलेशनशिप भी नज़र आता है जिसको ये खोना नहीं चाहते। फोर ऑफ पेंटिकल एंड डेविल एनर्जी गाइज यहाँ पे एक तरह का ऑब्सेशन को क्रिएट करती है कि इनको बस चाहिए तो चाहिए, इसके लिए इनको चाहे जो भी करना पड़े, ठीक है, चाहे किसी को इग्नोर करना पड़े वो इग्नोर करेंगे, ठीक है, इनको परवाह नहीं है व्यूअर्स यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि कुछ आस्पेक्ट अपनी लाइफ में ये इग्नोर भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मतलब ये माइंड है, माइंड गेम यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, स्ट्रैटेजी कह सकती हूँ, एक तरह से इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर प्लान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें डिसाइड कर ली है कि अब उनको यही करना है और यही करना है तो बस वही करना है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ बस कि ये चेंजेस बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। या फिर व्यूअर्स यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से ही डील करें जो ऑलरेडी मैरिड भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी गाइस कुछ ऐसी ही फील होती है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, क्योंकि दो दो डेविल आए हैं यहाँ पे, तो समवेयर ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप भी मैरिड हो और वो पर्सन भी मैरिड हो, ठीक है। आप इस सिचुएशन को व्यूअर्स इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है तो यही दिखाती है कि अब वो पर्सन आपके साथ में, मे बी आप लोग दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो इनको व्यूअर्स रिश्ता बस चाहिए, चलाना है इनको, ऑब्सेशन है कुछ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये सम काइंड व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बस बचाने के लिए, इस रिश्ते को रखने के लिए अपनी लाइफ के अंदर ये खतरों से खेल रहे हैं, कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे खतरों से खेलना इनको अच्छा लग रहा है, डेंजरस एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, अवेकन है, ऐसी बात नहीं है,
अवेकन है, फिर भी ये व्यूवर्स आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आज भाग्य ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल खेला है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बॉटम से देख रहे हो ना, ये एक तरह का सेलिब्रेशन, एक तरह का रिजॉइस, कनेक्ट होना आप लोगों के साथ में, आगे बढ़ना, एक तरह से खुश फील करना, जो रिश्ता इनको खुशी दे। व्यूवर्स देखो, ये आप ही के लिए कार्ड हमने निकाले हैं, तो ये दिखाती है व्यूवर्स एनर्जी कि जो रिश्ता इनको खुश देता है, खुशी देता है, जो इनको सुकून देता है, ये उसी रिश्ते के साथ में आगे बढ़ना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। बस इनको कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, फिजिकली सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपके पर्सन को दोनों ही तरह का सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन, आप मुझे बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी होंगी इन्हें, क्योंकि इस तरह से अगर कर रहे हैं आपके साथ में, तो इनको इनको ये पता है व्यूवर्स कि क्या हो सकता है, ठीक है। इनको पता है कि ये जिस राह पे चल रहे हैं वो क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, बट स्टिल ये कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो आ रहा व्यूवर्स मैं वही बता रही हूँ, कोई अपने उससे तो बोल ही रही हूँ, अब जिन लोगों के लिए मैसेज आया है उनको बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एक बोलूँगी व्यूवर्स कि इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, इनको पूरी फुली अवेयर हैं, और ये आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे फिर भी नज़र आ रहे हैं, चाहे आप जिस भी तरह से सीडिंग को देखें, लेकिन हाँ ये आगे बढ़ रहे हैं। आई नीड यू, आई फील सेफ अराउंड यू, उनको आपके साथ में ही अच्छा रहता लगता है रहना, आपके साथ में जब ये होते हैं इनको काफ़ी मतलब ऐसा फील होता है कि जस्ट इनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। एक तरह की सिक्योरिटी ये महसूस करते हैं, इनको लगता है कि हाँ यही वो रिश्ता है जो उनको एक स्टेबल लाइफ दे सकता है। वैसे भी गाइस मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलती है, ओके आई एम यूजिंग योर, और ठीक है व्यूअर्स देखो एक ये मैसेज भी यहाँ पर आता है जो ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो मोटिव है अभी, ठीक है, वो इस तरह इस एनर्जी को लेके भी हो सकता है, जस्ट ये आपके साथ में अभी यही रिश्ता चाहते हैं, ठीक है, यही रिश्ता चाहते हैं उनको, सिर्फ यही आपसे अभी फिलहाल हो सकता चाहिए। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ हर एक एनर्जी आपकी तरफ खींच के लेके आ रही है इस पर्सन को, चाहे आप जिस भी तरह से हो इस रिश्ते में कनेक्टेड, बट दे वांट सम काइंड ऑफ इंटीमेसी, ये मुझे यहाँ पे फील होता है, ये इंटीमेसी ही चाहते हैं, इनके मन में अभी भी विचार भी कुछ इसी तरह के हैं, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। आई लव यू, बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे भी आई और ये भी आई है, तो आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, वो कुछ भी करेंगे। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विथ यू, ये आप देख रही हो ना, कुछ भी करेंगे व्यूअर्स आपके लिए, तो ये कुछ भी कर सकते व्यूअर्स यहाँ पे, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, बट दे डू, ये करेंगे। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर इनके लाइफ में कोई अनदर पर्सन भी होगा तो वो मुझे, जैसे मैंने बोला कि आप थर्ड पार्टी रीडिंग देख सकते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ व्यूवर्स आपको देखने को सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे भी एनर्जी गाइस यहाँ पर ये आती है कि ये उसको छोड़ने की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ सम काइंड, ये जो टावर है ये आपके लिए एक तरह से अगर देखा जाए पॉजिटिव सेंस में ही काम कर रहा है, नेगेटिव सेंस में आज आपके लिए ये टावर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज तो ये खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये व्यूवर्स इनको पता है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनको बस आप चाहिए और आप ही चाहिए और आप ही चाहिए, बस ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।